नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों आज हम कच्चे केले की सब्जी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, बनाने में बहुत ही आसान है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे केले, 500 ग्राम कच्चे केले हैं, दो मीडियम साइज के टोमेटो, एक बड़े साइज का प्याज, आधा छोटा चम्मच चीनी, एक छोटा चम्मच लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच मेथी, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग, जीरा और राई। सबसे पहले हम केले को छील कर काट लेंगे। ये थोड़े से पकने शुरू हो गए हैं इसलिए जल्दी से छील गए, अगर पूरी तरह से कच्चे होते तो छीलने में वक्त लगता। सारे केले मैंने काट लिए हैं और यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। केलों को हमें डीप फ्राई करना है। तेल गरम हो चुका है, हम केलों को फ्राई करेंगे। और इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, जब भी आपको सब्जी बनानी हो उसके एक दिन पहले या उसी दिन आप केले खरीद कर लाए, नहीं तो क्या होगा कि पकने लगते। देखिए मेरे केले जो है दो दिन तक पड़े रहे तो पकने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम सारे केले फ्राई कर लें। सारे केले हमने फ्राई कर लिए हैं, इसमें से थोड़ा ऑयल हम निकाल लेंगे क्योंकि ज़्यादा है, सब्जी बनाने के लिए इतना तेल नहीं चाहिए। ये तेल हम किसी और सब्जी बनाने में यूज कर सकते हैं। अब हम इसी तेल में सब्जी बनाएंगे, तो इसमें हम राई डालेंगे, तेल गरम भी है। जीरा डालेंगे, मेथी और सौंफ डालेंगे। सौंफ डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और मेथी का हल्का सा कड़वापन इसको और टेस्टी बनाता है। हींग डालेंगे और बारीक कटा हुआ प्याज हम इसमें डालेंगे।
प्याज को हम अच्छे से पकने देंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और ये सब्जी ना सरसों के तेल में बनाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे जिससे क्या होगा कि प्याज जल्दी पक जाएगा। प्याज थोड़ा सा गुलाबी रंग का हो गया है तो हम इसमें हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट डालें। इसे भी अच्छे से पकाना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब टमाटो और प्याज को एकदम आराम से बहुत अच्छे से पकाना है। थोड़ा सा भी कच्चापन इसमें नहीं रहना चाहिए। देखिए टमाटो और प्याज अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपनी पसंद से कम ज्यादा डाल सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा उबाल आने देंगे। देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है तो अब हम उसमें फ्राई किए हुए केले डालेंगे। थोड़े से पके हुए थे तो वो नरम पड़ गए हैं, अगर कच्चे होते तो एकदम जैसे स्लाइस इसकी दिखाई देती है। इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, केले टूट नहीं जाने चाहिए। इसमें हम एक उबाल आने देंगे। देखिए केले थोड़े से पक चुके हैं तो उसे टेस्ट करने के बाद ही उसमें चीनी डालें। अगर कच्चे केले होते तो उसमें डालनी ही चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठा चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे थोड़ा सा उबाल आने देंगे और फिर अपनी सब्जी तैयार। देखिए सब्जी में उबाल आ चुका है, इसका मतलब सब्जी बन चुकी है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें आप देखेंगे कि तेल बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है। तो इसमें आपने देखा ही था कि मैंने तेल कम कर दिया, लेकिन हम जब बनाना को फ्राई करते हैं केलों को तो उनमें थोड़ा सा तेल रह जाता है। और ये सब्जी चाहे जिस भी तरह से बनाओ कम से कम तेल में भी बनाएंगे तो भी तेल छोड़ देती है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। टेस्टी हेल्दी कच्चे केले की सब्जी बनके तैयार है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, हेल्दी भी होती है। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।